मेट्रो जो है इधर आने वाला है, इधर से आएगा और ये विंडो ओपन हो जाएगा, घुस जाएगा। वो देखिए वो मेट्रो जा रहा है, ऐसा होता थोड़ा देखा। Hello, my little family. I came back from Pondicherry and currently I'm in Chennai. And today I have my flight at 7 p.m. I'm flying back to Guwahati. मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ आज रात को, 7 बजे की फ्लाइट है। तो अभी रेडी होके मैं यहाँ से मेट्रो पे जाऊँगा, मेट्रो से फिर एयरपोर्ट तक, चेन्नई का जो माँ एयरपोर्ट है वहाँ तक जाने वाला हूँ। तो मैं मेट्रो का सफ़र कभी नहीं किया था ज़िंदगी में, दिस विल बी माई फर्स्ट मेट्रो जर्नी। एंड आई टेल यू, मैं सब कुछ गाइड करूँगा कि सिटी में मेट्रो में कैसे चलना पड़ता है और टिकट्स कैसे लेना पड़ता है, टिकट्स का दाम कितना होता है, वो सारा चीज़ दिखाते रहूँगा। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा। सो लेट्स गो। मैं मेट्रो पे पहुँच गया हूँ, सेंट लाइट्स मेट्रो का नाम है, थाउजेंड्स लाइट। पीछे में मेन रोड है और यहाँ पे छोटा सा एक लिफ्ट का जैसा, इसके नीचे जाना पड़ता है और वहाँ पे स्टेशन है, जाके दिखा रहा हूँ। पहुँच गया हूँ अंडरग्राउंड पे, ये मेट्रो स्टेशन होता है, मेन रोड से नीचे आके ये मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा लिफ्ट, यहाँ से आके मेरे पीछे ये देखिए, ये मेट्रो स्टेशन है, अंडरग्राउंड में होता है, ज़मीन के अंदर है। आगे जाके और ये है टिकट काउंटर, यहाँ का सराउंडिंग थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोग, ये अंडरग्राउंड पे ज़मीन के अंदर दीवान, ये टिकट काउंटर है, टिकट तमिल में लिखा है फिर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, तो यहाँ पे क्यू पे रहना पड़ता है लाइन पे, उसके बाद टिकट मिलेगा। तो ऐसे लिया जाता है मेट्रो का टिकट, एक ही है और जो लोकल जो ट्रेन है वैसा ही है, बस ये अंडरग्राउंड पे है, वही डिफरेंस है। तो ऐसे यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। तो ये देखिए टिकट मिल गया है, ये डेस्टिनेशन थाउजेंड लाइट से एयरपोर्ट तक 40 रुपये ओनली। तो ये है एयरपोर्ट जाने का विंको नगर डिप्रो मेट्रो, इधर से नीचे एकदम अंडरग्राउंड में होता है मेट्रो, से जितना भी होता है ना सारा अंडरग्राउंड, तो प्लेटफॉर्म भी होता है ऊपर में भी होता है, लेकिन ये नीचे में है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 मुझे लिखा हुआ है। वो देखिए वो मेट्रो जा रहा है, सो देयर इज़ द मेट्रो। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ, अंडरग्राउंड पे हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये मेरे पीछे प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है 1। और मेट्रो जो है इधर आने वाला है, इधर से आएगा और ये विंडो ओपन हो जाएगा, घुस जाएंगे, सराउंडिंग दिखाता हूँ। शाहरुख खान रेडी है, तो ये जो दरवाज़ा है ना ये खुल जाएगा जब मेट्रो आएगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म 1 टूवर्ड्स एयरपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एयरपोर्ट से जाने का। ये देखिए सारा मेट्रो है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो लोकल मेट्रो जो होता है, जो स्टेशन होता है, वैसा भीड़ नहीं होता है यहाँ पे। ये देखिए मेट्रो आ चुका है, ज़्यादा रुकता नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग को चढ़ना है, तो मैं जा रहा हूँ। मेट्रो पे चढ़ चुका हूँ, ज़्यादा समय लुटता नहीं है, जल्दी जल्दी चढ़ना पड़ता है, कैसा होता है थोड़ा देखा, कैसा बहुत क्लीन होता है, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड होता है, नहीं होता जिससे कि कल्चर्स में जैसे मजस्ते होता है। तो मेट्रो से उतर चुके हैं, मेट्रो से उतरने के बाद ही सामने ही यहाँ पे एयरपोर्ट है, चेन्नई माँ एयरपोर्ट, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। अभी हम लोग एयरपोर्ट के साइड में जा रहे हैं, इसी सामने एयरपोर्ट है वहाँ पे जा रहे हैं, उतर चुके हैं। तो मैं एयरक्राफ्ट के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे एयरपोर्ट तक डायरेक्ट जो मेट्रो है, थाउजेंड लाइट टू एयरपोर्ट तक डायरेक्ट मेट्रो मिलता है और वो ओनली बहुत चीप है, मतलब 40 रुपीज़ में आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ऊपर से होके फिर नीचे से अंडरग्राउंड से होके आप अप डाउन से होके आता है, बहुत फास्ट होता है, चीप और बहुत मतलब मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड नहीं रहता है, इस तरीके से जो लोकल जो ट्रेन होता है उसमें बहुत क्राउड रहता है, ये क्लीन है, फास्ट है, चीप है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग एयरपोर्ट में यहाँ तक माँ एयरपोर्ट तक चेन्नई में आना चाहते हो, तो अगर अपोलो हॉस्पिटल या कहीं ट्रीटमेंट कराने आते हो तो इधर से आप थाउजेंड लाइट, याद रखिए थाउजेंड लाइट मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप यहाँ तक आधे घंटे के अंदर पहुँच जाओगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए। सो सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, फिर से मैं एक्साइटिंग ब्लॉग लेके आने वाला हूँ, टिल देन।